बाराबंकी शहर स्थित आरटीओ कार्यालय पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। अचानक हुई छापेमारी के दौरान अवैध रूप से काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। काफी देर तक पुलिस प्रशासन आरटीओ कार्यालय के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करती रही और करीब एक दर्जन लोगों को थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि सभी लोगों से पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर एक पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके बाद पीड़ित महिला न्याय के लिए प्रेस क्लब पहुंची। उसने बताया कि दबंग मुझे और मेरे नातियों को लगातार मारने की धमकियां दे रहे हैं। उसने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। श्रावस्ती जिले के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व डूबने से बचाव दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिकों को डूबने से बचाने का पूर्वाभ्यास किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सचिव की उपस्थिति में एनडीआरएफ के इस अवसर पर मोहम्मदपुर कला गाँव में बाढ़ में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और नाव पलटने से नदी में डूबे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूर्वाभ्यास किया गया। पीलीभीत के बीसलपुर रोड पर एक डिवाइडर बनाया गया है। डिवाइडर में 1 किलोमीटर तक कोई कट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की बिक्री कम हो रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली में पुरानी रंजिश को लेकर एक पत्रकार के पिता के साथ मारपीट की गई। इसके बाद पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया तो दबंगों ने समझौता करने का दबाव बनाया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने में जुट गई है। शाजापुर में भाड़े के बदमाशों द्वारा फर्जी लूट की घटना करवाने वाली महिला के षड्यंत्र का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसके तहत घटना के बारे में थाना सदर बाजार पर रजनीश मिश्रा और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शाकिब अहमद और कमरान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और बैग, पुरानी किताबें बरामद की है। साथ ही अभियुक्त सुमनलता को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि रजनीश मिश्रा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीकरी खुर्द के बाहर गोली मारकर 50 साल के राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित होती नजर आ रही है। इस बार कांवड़ यात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को लेकर तमाम जागरूकता कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए गए। कांवड़ यात्रा में इसे लेकर जागरूकता नजर आ रही है। हरिद्वार में गंगा जल लेने आने वाले कांवड़ यात्री प्लास्टिक कैन के बजाय स्टील और पीतल के कलश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री स्टील और पीतल के कलश में गंगा जल लेकर जा रहे हैं। कोई कांवड़ यात्री 20 लीटर गंगा जल तो कोई 80 लीटर गंगा जल भरकर ले जा रहे हैं। झांसी के चिरगांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बरल में सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, जहां पर CHO भी तैनात है, जिसमें ग्रामवासी को इलाज में मदद हो सके। लेकिन CHO की मनमानी के कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाएं इलाज के लिए काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उपकेंद्र पर जब मरीज जाते हैं तो वहां पर ताला लगा मिलता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि CHO को समय पर नहीं आती और अगर आती भी है तो 1-2 घंटे बैठकर चली जाती है। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। क्षेत्र अधिकारी सदर भी मौके पर पहुंच गए, घटना का जायजा लिया। युवक की पहचान इलू निवासी महमदपुर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है।